अगर जिंदगी खुशहाल गुजारना चाहते हो तो डीट बनो। 4 महीने कोरोना के घर गुजारने के बाद इसी कॉल पर अमल करते हुए कुमराट की ठानी। पहला स्टॉप था बटखेला, जहां सियाब साहब इंतजार कर रहे थे। इस्तकबाल रेडी है, देख सकते हैं। प्रो टिप, दोस्त वो चूज करो स्पेशली इस उसमें जो लोकल हो और जिसके पास अपनी गाड़ी हो, और गाड़ी भी ये वाली। अगर आप छोटी गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, बाद में हमें शिकायत ना दीजिएगा कि बताया नहीं। सियाब की खुशी आप देख रहे हैं, ड्राइविंग हमने देख ली। बहुत अहम बात कि आजकल के दिनों में आपको खसूसी इजाज़तनामा चाहता है चाहिए होता है, जो कि DC के ऑफिस से आपको मिल सकता है। रिटर्न परमिशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको अपर दीर में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। यही हाल यहाँ आपको फ़ायदा होगा अगर आपने पहली वाली टिप याद रखी है, यानी दोस्त लोकल हो। इस तरह के टीन के कमरे हैं, ठीक है। सुबह सुबह उठो ये नजारे, और साथ में गर्मा गर्म नाश्ता। हम अभी आप रात को पहुंचे थे यहाँ पे मालागंज से चल के, इस जगह का नाम थल है। और कुमराट से पहले यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे होटल शोर थोड़े बेहतर हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इतने खास कुछ नहीं है। और मालाकंड से यानी स्वात से यहाँ तक तकरीबन 200 किलोमीटर है, जो कि हमने 7 घंटे में किया। और अपर दीर के बाद से रोड थोड़ी ख़राब है, और आलमोस्ट 36 किलोमीटर का जो सफ़र है वो इंतहाई ख़राब है, और उसमें आलमोस्ट 3 घंटे आपके सुकून से लगेंगे। खैर अभी आगे जाएंगे तो देखते हैं आगे क्या सीन है, फिलहाल तो सब अच्छा ही चल रहा है। थल बाज़ार की ये सबसे पुरानी मस्जिद है बेसिकली कुमराट की, और ये स्ट्रक्चर सारे का सारा वुड पे बना हुआ है, सारे का सारा लकड़ी का। अभी इसकी दूसरी मंजिल तैयार हो रही है, लिख के लगाया हुआ है, और मस्जिद का नाम है दारुसलाम। आप आएँ ज़रूर विज़िट करें, इट्स रियली एन अमेजिंग स्ट्रक्चर। कुमराट एंटर होने से पहले आपकी यहाँ पे एंट्री होगी, और सियाब एंट्री करवा रहा है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे और आगे जाएंगे। कैंपिंग का सीन ऑन है भाई, कैंपिंग का सीन ऑन है। यहाँ पे एक फेमस आबशार है, गाड़ी हमने वहाँ खड़ी की है, वहाँ थोड़ी सी हाइक है।
बोतलें ठंडी करते हैं यहाँ पे इस ठंडे आबशार के पानी से। फाइनली हम पहुंच गए इस आबशार पे और यहाँ पे सिर्फ यही एक फेमस प्लेस है, अदरवाइज आपके रास्ते के साथ साथ दरिया चलता है और वो सारे नज़ारे बहुत मजे के हैं। दिस इज द प्लेस। आबशार पे आते हुए अगर आपको टट्टी आ जाए तो छोटा सा वॉशरूम भी बना हुआ है भाई। नज़ारे तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जो मशवरा है शादीशुदा लोगों के लिए वो ये है कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है, होटल नहीं है, रोड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे इतने टूरिस्ट नहीं है, तो फैमिली वाले जो हजरात हैं वो अपने इन चीज़ों के हवाले से देख के आएँ। होटल में आपको बिल्कुल ये 3 डब्बे वाले हैं, लेकिन अभी डेवलप हो रहे हैं। सेकंडली रोड इतनी है कि 35 किलोमीटर का जो सफ़र है, इस तरह के हो गए हैं, 35 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आपको 6 घंटे लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये नज़ारे वर्थेबल है, ठीक है। और टूरिस्ट इतने नहीं हैं तो अच्छा सीन। ये पुल इसी देवदार की जो लकड़ी है उसको काट के बनाया हुआ है, रिसोर्सेज का ये हाल है। और गवर्नमेंट अभी इमरान खान के आने के बाद कुछ मेरे ख्याल से स्टार्ट करे तो करे, फिलहाल ये अपने आप ही चल रही है। और आगे ये पुल नीचे से सुराख है तो ख्याल से। दो हफ्ते में ये इतना ही होता है लेंथ इसका, इस दरिया में मछली होती है। ओ ओ। इस प्यारी जगह पे अगर आप आए और मौसम और भी ठंडा हो तो चाय नहीं मिस करनी आपने।